अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज एक मेरी बहुत पुरानी वीडियो जो आज से एक साल पहले मिलियन में 1.5 मिलियन में चली गई थी, इस वक्त वो 2 मिलियन के करीब है। उस वीडियो ने किस तरह से धमाका किया, किस तरह से उस वीडियो ने धूम मचाई, वो पिछले साल की बात थी। अभी जो मैं लेटेस्ट चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, वायरल किस तरह से दोबारा से वायरल हुई, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज मैंने दराज की कुछ शॉपिंग की थी 11/11 की सेल से, तो मुझे वो वीडियो का जो रिकॉर्ड है ना वो आज मिल गया। मैंने कहा मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ कि वो किस तरह से मेरी वीडियो वायरल हुई और किस तरह से आज वो दुनिया भर में वो ट्रिक जो है ना वो चलाई जा रही है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज से तकरीबन एक साल पहले की बात है कि मैंने एक रेमेडी शेयर की थी जब मेरा चैनल नया था, स्टार्ट हुआ था। मैंने हाथों के लिए, पाओं के लिए कैसी रेमेडी शेयर की थी, वेजलीन की, जिसको अप्लाई करने के बाद मैंने हाथों पे शॉपर वगैरह चढ़ाए और कुछ प्लास्टिक ग्लव्स वगैरह ना उसका इस्तेमाल किया था। तो मुझे नहीं पता था मेरी ये ट्रिक जो है उस पे लोग इतनी गौर और फिक्र करके कुछ नया लॉन्च करेंगे और इस चीज को आगे लेके जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने ये चीजें अपनी ही रेमेडी आगे जाते हुए देखी। तो बेसिकली रेमेडी कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन जो ट्रिक थी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो जो सर्दियों में हाथों और पैरों का हाल हो जाता है खुश्की की वजह से, जो मौसम चल रहा है उसकी वजह से हाथ पांव फट जाते हैं पानी में इस्तेमाल करते, जाहिर बात है हम लोग बर्तन धोते हैं। एक मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि सिस्टर आप इतनी क्यूट है लेकिन आपके हाथ इतने खराब है, वो क्यों। तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा उनका कॉमेंट, बल्कि मुझे मेरे दिल में आया कि मैं ये चीज लोगों के साथ शेयर करूं कि जिसके भी सर्दियों में ये हाल हो जाता है हाथों का, हाथों पे छाइयां पड़ जाती हैं, हाथों पे कट्स पड़ जाते हैं पानी की वजह से। वैसे सच्ची जो बात है, हमारा गीजर नहीं है तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करती हूँ मैं, कपड़े भी धोती थी, बर्तन भी जाहिर बात है दिन में 10 से 12 बार धुलते हैं। उसके अलावा 5 वक्त का जो वजू करना होता है तो फिर वो ठंडे पानी से जब करो तो हाथों का वो हाल हो जाता है कि जो शायद किसी अच्छे से अच्छे इंसान का ना हुआ हो, ठीक है। तो उस वजह से मैंने वो ट्रिक लगाई थी। पिछले साल मैंने लोगों को बताया था कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो लोगों को भी इसकी जरूरत होगी। वो वीडियो मेरी माशाल्लाह से पिछले साल ही मिलियन से ऊपर चली गई थी और इस साल वो 2 मिलियन की तरफ दौड़ लगा रही है, क्योंकि अभी फिर से सर्दियां आ गई हैं और लोगों को वो रेमेडी अच्छी लग रही है और लोग अप्लाई भी करें। लेकिन मजे की बात ये बताऊं कि मैंने दराज से जब 11/11 की शॉपिंग की तो मैं शॉक में चली गई। मैंने कहा ये तो बहुत समझ ले कि नया फार्मूला और वही फार्मूला लोगों ने रिवर्स करके कुछ अच्छी शेप में ले आए हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इस कदर खुशी हुई कि मेरा वायरल दोबारा से वायरल है, दोबारा से वायरल हो रहा है। मैंने जो शॉपिंग की ना 11/11 कि मैंने कुछ खास महंगी शॉपिंग नहीं की अमीरों वाली, ठीक है, मैंने गरीबों वाली की, क्योंकि मुझे जिस चीज की जरूरत थी मैंने कहा वही आप मेरी ऑडियंस को भी डेफिनेटली उस चीज की जरूरत होगी। मेरे हाथों का जो हाल था मैंने उस चीज पे गौर किया। तो मैंने एक दिन वैसे ही बैठे हुए वीडियो देख रही थी और मैंने देखा कि दराज पे ये चीज मौजूद है। वो जो ग्लव्स मैंने उस वीडियो में बताए थे ना कि मैंने शॉपर चढ़ाया था बेसिकली हाथों पे, मेरे पास ग्लव्स भी नहीं थे, प्लास्टिक के जो होते हैं ना ट्रांसपेरेंट, वो भी नहीं थे। उस रेमेडी में मैंने ग्लव्स हाथों पे शॉपर चढ़ाया था और वो रात के टाइम अप्लाई करनी होती है हाथों पैरों पे, उससे आपके हाथ पैर बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। लेकिन वो जो है ना आज नया फार्मूला आ गया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। 11/11 की सेल से मैंने जो शॉपिंग की है ना, मैंने बड़ी काम की चीज़ें मंगाई, मैंने कोई ऊँट का चीज़ें नहीं मंगवाई हैं। ये देखिए जी, सिलिकॉन के जो सॉक्स हैं ये मैंने मंगवाए थे और मैंने सिलिकॉन के ग्लव्स भी मंगवाए थे, लेकिन सिलिकॉन के सॉक्स जो है ना वो मेरे पास 2 आ गए और ग्लव्स मेरे पास अभी नहीं आए हैं। वो शायद मैंने ये 2 बार ऑर्डर कर दिया था। तो ये बहुत काम की चीज़ है, चाहे आप सिलिकॉन के सॉक्स मंगवाएं या फिर आप ग्लव्स मंगवाएं। जो रेमेडी मैंने बताई थी वैसलीन वाली ना, वो बहुत ज़बरदस्त थी कि ज़रा सी वैसलीन में आप लोग थोड़ा सा सोडा डालें, मीठा सोडा, और उसके अलावा थोड़ा सा उसमें दूध या मलाई डाल के उसको अच्छे से मिक्स करें, ठीक है। पाँव पर ना लगाएं आप बेशक, लेकिन हाथों के लिए वो बहुत ज़बरदस्त थी। आप इसमें अप्लाई करके ना हाथों पैरों पर, तो ये सॉक्स वगैरह लगा के, ठीक है, अगर आपने पैरों पे लगानी है आप उसमें दूध या मलाई ना ऐड करें, सोडा ऐड करें और लगा के इसमें ये सॉक्स लगा के रात को सो जाएं। तो क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट सॉक्स मैंने इसलिए बताए थे कि ताकि वो सॉक्स जो दूसरे आम वाले होते हैं वो हम पहनते हैं ना तो वो जज्ब कर लेते हैं, उसकी इतनी खास रिजल्ट नहीं होता है जितना इसका होता है, क्योंकि इसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती है क्रीम, ठीक है। तो ये मैंने मंगवाए थे, फिर मैंने चले ये 2 आ गए, कोई मसला नहीं, एक काशिफ को दे दूंगी, एक अपने लिए, रात को इसको जरूर यूज करके सोएं आप, ठीक है, बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मुझे लगा कि शायद ना पिछले साल मेरी वीडियो वायरल हुई थी तो ये लोगों ने इस पर गौर व फिक्र किया कि कुछ यूनिक ईजाद करें, ठीक है, उसी रेमेडी को अप्लाई करते हैं लोग, जाहिर बात है। तो शॉपर या ट्रांसपेरेंट ग्लव्स की जगह कुछ ऐसी चीज लेके आए जो और भी ज्यादा अच्छी हो, जबरदस्त हो। तो ये सिलिकॉन के ग्लव्स और सिलिकॉन के हैंड्स के जो दस्ताने हैं वो आ गए, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा लगा मुझे ये। मैंने वैसे एक ऑर्डर किया था लेकिन ये 2 आ गए,
दूसरा कैसे आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अभी तक हैंड वाले जो है ना वो नहीं आए, जो मैंने हाथ के दस्ताने मंगवाए थे ना, ग्लव्स, सॉरी। सीधी शादियों में जो मुंह में आता है बोल जाती हूँ, लोग फिर मेरी टूटी फूटी उर्दू पे हंस रहे होते हैं बैठ के। ठीक है, तो ये भी वही आ गए हैं। ठीक है, हाँ जी, ये दो वही आ गए हैं और आप लोग भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इस सर्दियों में अपने हाथ और पैर का केयर करें। ठंडे पानी का इस्तेमाल जो है ना वो इंसान को ख़राब कर देता है। वैसे मेरे हाथ बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन जाहिर बात है रोज़ाना बर्तन धोना, रोज़ाना ठंडे पानी में हाथ मारना, वजू करना, तो उसके बाद फिर स्किन का कबाड़ा निकलता है। उसके बाद मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, वो मैंने क्या ऑर्डर की थी। मैंने कहा कि देखें जी, बहुत सारे जो लड़कियां हैं मुझसे पूछती हैं कि सिदरा हाथ पाँव के, देखें हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जाके पार्लर में, पेनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर जाके जो है ना वो दो दिन तीन दिन चलता है, फिर हमारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, फिर दोबारा पैसा खर्च करके जाना पड़ता है। तो बड़ी ही बेस्ट चीज़ आज आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने दराज से एक क्या ऑर्डर किया, ये स्किन क्रीम, ठीक है, ये वाइटनिंग क्रीम है, ये मैंने ऑर्डर की थी। तो मैंने कहा कि ये इसके बजाय अगर पैरों पे मैं वैसलीन के बजाय अगर ये भी लगा के रखूं तो ये भी बहुत बेस्ट है, ये देखें, ठीक है, इससे वाइटनिंग क्रीम, इससे कम से कम आपके हाथ पैर वाइट भी होंगे, चमकेंगे भी, ठीक है, खूबसूरत भी होंगे। चाहे आप अपनी आपकी मर्जी है वैसलीन लगाएं या ये लगाएं, ये मैं उन लड़कियों के लिए बता रही हूँ कि जो लड़कियाँ चाहती हैं, ठीक है, कि हम चिट्टे गोरे हो जाएं, ये उनके लिए, ठीक है। अब आप ग्लव्स के अंदर ना इसको थोड़ा सा लगा के या फिर अपने पाँव पर लगा के ग्लव्स ये वाला पहन लें, सॉक्स, ठीक है, तो रात पूरी लगा रहेगा ना, सुबह उठ के आप लोग गर्म पानी से धोएं तो पाँव चमकने लग जाएंगे इंशाल्लाह। 7 दिन का इस पर लिखा हुआ है, 7 दिन का, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी और इसका रिजल्ट मैं खुद भी अप्लाई करके ना फिर आपको बताऊंगी। वैसे है चीज़ बड़ी अच्छी, काफ़ी सालों पहले ना ट्राई ज़रूर की थी मैंने। ये वो टिप्स हैं जो मैं लड़कियों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या दराज से ऑर्डर किया था, अच्छा मैंने दराज की शॉपिंग देखी, सब कुछ देखा, मैंने कहा बहुत धूम मची है, लोग 11-11 की सेल कर रहे हैं, तो देखूँ उसमें से क्या मिलेगा ना। मैंने उसको जब खोला तो यकीन करें मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, थी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, वेस्टेज नहीं करनी, फजूल चीज़ें नहीं खरीदनी। फिर मुझे जो चीज़ काम की लगी, जो चीज़ ज़रूरत की लगी, उसमें से मैंने वो ऑर्डर किया, जैसे कि ये, ठीक है। इसमें से दो चीज़ें अभी मिसिंग है, वो अभी नहीं पहुंची हैं, जो मैंने बताया हैंड्स के ग्लव्स सिलिकॉन वाले। उसके अलावा मैंने काशिफ के लिए एक वार्मर मंगवाया था, साइड पे तस्वीर मेंशन करती हूँ, जो कि सर्दियों में बाइक जो चलाते हैं ना उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो काशिफ हमेशा बाइक पे ही रात को आते हैं 10-11 बजे, और फिर जब वो घर पहुँचते हैं तो उनके पाँव जो है ना घुटने शल हुए होते हैं, तो मैंने सोचा कि उनके लिए एक ऐसी चीज़ मंगवाऊँ जो उनको मुसीबत भी ना हो पहनने उतारने में। पैंट के नीचे डबल पैंट पहनना या वो जो टाइट्स होती है वो पहनना बड़ा मुश्किल काम है, तो जस्ट आप अपने ये गोटे गिट्टे कवर करने के लिए ये मंगवा लेना तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो वार्मर भी लेट हो गया, फिर मैंने कहा 11-11 की सेल भी जा रही है, नवंबर भी खत्म हो रहा है, पता नहीं वो कब पहुंचेंगे, इससे पहले मैं अपनी ऑडियंस को वीडियो डाल दूं और उन्हें बताऊं कि ऑर्डर कर लें, इन पे डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आएगी, वो भी इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू दूंगी, वो बड़ी अच्छी चीज़ है जो वार्मर मैंने मंगवाया है, ठीक है। वो घुटने पर ऐसे चढ़ा दो, उसके अंदर मतलब आपको हवा शवा ठंड वंड कुछ भी नहीं लगने वाली, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो जो है ना आज की सोचने की बात है, पिछली बार जो मैंने वो जो मेरा थंबनेल है ना वो मैं आपको यहाँ मेंशन करती हूँ, वो जो मैंने रेमेडी शेयर की थी ना, बड़ा ही सोच के किसी ने फिर ये जुगाड़ निकाला कि वाकई ये रेमेडीज़ वगैरह जो है ना ये इसमें अप्लाई करके अगर आप करें तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने उस रेमेडी के नीचे कॉमेंट किए थे, सिस्टर शॉपर हर वक्त चढ़ा के रखने होंगे, सिस्टर शॉपर यूँ शॉपर यूँ, तो भाई ये मसला शॉपर वाला खत्म हो गया, रेमेडी वही यूज़ करें जो मैंने बताई थी, ठीक है। लेकिन आप उस पर क्या करें, ये वाले सिलिकॉन वाले ग्लव्स सिलिकॉन वाले सॉक्स मंगवाएं, ईजिली आप पहन के इसको घर में भी घूम सकते हैं, शॉपरों से तो खड़प्पा खड़प्पा होती है ना, रात के टाइम भी आपको सुकून की नींद नहीं आती है तो ग्लव्स पहन लें इजीली, ठीक है, कोई खड़प्पा खड़प्पा नहीं होगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे बहुत जो ज़रूरी चीज़ थी ना जो मैंने अपने घर के लिए मंगाई, मैंने क्योंकि मेरी ना असल में मेरी तस्वीरों का बहुत मसला होता है, मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मेरी तस्वीरें बच्चे जो है ना वो इधर उधर फेंकते हैं, और फिर मैंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें मेरी चीज़ तस्वीरें घर की चाबियाँ वो जो है ना वॉल पे हैंग हो जाएं, जगह जगह मैं रखती हूँ तो वो फिर जो है ना जब कहीं आना जाना होता है तो फिर घूम जाती हैं, मसला होता है। मैंने फिर ये छोटा सा एक डेकोरेशन मंगाया है जो मैंने वॉल के साथ उधर दरवाजे के साथ लगाना है, ठीक है, इसके नीचे ये बने हुए हैं, ठीक है, इसके नीचे आप तस्वीरें लटका सकते हैं, आप की चेन अपनी चाबियां घर की जो भी ज़रूरत की चीज़ है, ठीक है, उसके यहाँ पे भी जगह बनी हुई है, इसमें मोबाइल वगैरह भी आप लोग रख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप लोगों को ज़रूरत हो, ठीक है। ये वॉल हैंगिंग है और मैं वॉल पे हैंग करके भी आपको दिखाऊंगी, बड़ा ही अमेजिंग सा बना हुआ है। अच्छा प्राइस बताऊँ ना, सिर्फ 250 रुपये का है शायद ये, ठीक है, DC वगैरह लगा के तो शायद 400 रुपये का बना है,
बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा बना और बड़ा मजबूत है। अच्छा, दराज की चीजें मजबूत बहुत होती हैं। अभी मैंने जिस स्टैंड पे ये मोबाइल लगाया हुआ ना, ये इतना पायदार निकला, इतना पायदार। मैंने इसके साथ के ना 2-3 ऑर्डर किए थे स्टैंड, मोबाइल पकड़ने वाले स्टैंड, ठीक है। तो वो यकीन करें टूट टाट गए, उनकी ये ऊपर वाली चीजें भी टूट गई, सिरियां उतर गई, लेकिन ये माशाल्लाह इतना पायदार निकला है कि इसके ऊपर ये देखें मैंने कितना, मतलब अपने सामने हाइट के हिसाब से मैंने इसे खोला हुआ है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। दराज की चीजें मैंने पहले भी मंगाई थी, मुझे बहुत अच्छा रिव्यू, जबरदस्त। मैं ऐसे नहीं रिव्यू देती किसी चीज का, लेकिन मुझे दराज की चीजें पर्सनली अच्छी लगी हैं। बाकी ये जो और एप्स आ रही हैं इनका कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन ये है कि इसमें कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत है, ठीक है। और आप कहेंगे कि आप तो सिदरा कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत नहीं देती हैं, दराज वालों ने दी हुई है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं दूंगी, अभी नहीं दे सकती, ठीक है। अभी मेरा काम नहीं है, फिर आप लोग जो है ना पार्सल आप लोगों के दरवाजे पे पहुंचे रिसीव ना करें ना, DCM में भरनी पड़ती है। दुआ करें मेरा काम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, इंशाल्लाह फिर मैं कैश ऑन डिलीवरी पे आप लोगों को दूंगी। कुछ एतबार बनने में भी टाइम लगता है, आपका भी हमारा भी इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी धोखा फ्रॉड वाली अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, और ये बड़ा खूबसूरत और क्यूट लग रहा है। अगर आप लोगों ने लेना हो जरूर मंगवाइएगा। इसमें आप लोग ना घर की चाबियां दरवाजे के साथ लगाएं, वहीं से ही चाबियां उतारें, वहीं से ही बाहर जाएं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं ढूंढने की। बड़ा खूबसूरत लग रहा है। उसके अलावा बाकी सिलिकॉन वाला भी आप जरूर मंगवाइएगा, वार्मर होता ना तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करती, ठीक है। मेरे टिकटॉक अकाउंट पे ना यूट्यूब का चैनल का वो लिंक है शेयर किया हुआ मैंने, आप जस्ट उसे क्लिक करके ना मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएं, मूव कर जाएं, ठीक है, और फिर यूट्यूब चैनल की हर वीडियो पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी आपका ब्रांड है, कोई भी प्रोडक्ट है किसी किस्म की भी, ठीक है, कोई छोटा सा बिजनेस, बड़ा बिजनेस जो भी है, तो वैसे मैं इसकी प्रमोशन करती हूँ। वीडियो के चार्जेस होते हैं हमारे, ठीक है, वो चार्जेस लेके हम प्रमोशन करते हैं और आप PR भेजते हैं हमें। लेकिन आप, अब मैंने क्या किया कि मेरे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह आज 1,00,000 सब्सक्राइबर से भी ऊपर टप गए हैं, ठीक है। तो उस खुशी में मैंने आप लोगों को चार्जेस फ्री कर दिया, मैं चार्जेस नहीं लूंगी, आप लोगों की प्रमोशन फ्री में करूंगी, कोई भी आपकी प्रोडक्ट हो किसी किस्म की भी, ठीक है, तो आप लोग उसकी प्रमोशन मुझसे फिलहाल करवा सकते हैं, ठीक है। ये फिलहाल के लिए ये जो ऑफर है ना ये जारी है, उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। जिसने भी अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करवानी है फ्री में करवाएं, PR हमारी मर्जी का होगा, ये मैं पहले बता रही हूँ। बाकी आप लोग जो भी आपका सैंपल है, जो भी चीज़ें हैं, आप लोग उसकी डिटेल व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। तो आओ, मैं याद रखिएगा कल बहुत ज़बरदस्त चीज़ लाने वाली हूँ, वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।